नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुशीनगर जिले में बुधवार को यातायात माह नवंबर के तहत आदर्श एंग्लो इंटर कॉलेज से लेकर प्राथमिक विद्यालय दुधई में पुलिस क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी के अध्यक्षता में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्कूलों के छात्र छात्राओं के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। पुलिस क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी व अरविंद कुमार थाना प्रभारी विशनपुरा ने कहा कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें। वहीं कुशीनगर जिले में क्षय रोग से पीड़ित दिनेश कुमार के घर पहुंची स्वास्थ्य टीम, पीड़ित दिनेश को दवा मुहैया कराते हुए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के विकास खंड दुधई अंतर्गत ग्राम सभा बास गांव खाकड़ टोड़ा निवासी दिनेश काफी दिनों से क्षय रोग से पीड़ित है। उक्त सूचना पर दुधई सीएचसी पर तैनात एसटीएस यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर अमित पांडे पीड़ित दिनेश के घर पहुंचकर उन्होंने मरीज का हालचाल जाना और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया और कुछ दवाएं भी मुहैया कराई। बात करेंगे सिद्धार्थनगर जिले में तो कांग्रेस कार्यालय पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी राकेश गुप्ता रहे। कार्यालय पर यह बैठक आगामी चुनाव के मद्देनजर युवाओं को संगठित कर उसकी तैयारी के लिए की गई थी, जिसमें राकेश ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से लोग इस तरह टूट गए हैं कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। भाजपा सरकार ने जनता को बर्बाद करने का काम किया है। वहीं लखीमपुर खीरी में प्रसिद्ध स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ पढ़ाई को बेहतर माहौल में कराने के लिए शासन की ओर से स्कूलों के हालात सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। स्कूलों के बदलते स्वरूप को लेकर छात्र भी बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी के पसगवा ब्लॉक के कई प्रसिद्ध स्कूलों को ट्रेन का नया लुक दिया गया है। स्कूल को आकर्षक बनाने के लिए रंगाई पुताई कराकर ट्रेन का रूप दिया गया है। लोगों के साथ ही बच्चों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शासन की ओर से प्रसिद्ध स्कूलों के हालात को सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। हरदोई के संडीला स्थित आईआर इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय जनपद स्तरीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने मां सरस्वती देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस रैली में जिले की 40 टीमें भाग ले रही हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले 3 दिन का ध्वज व मार्च पास्ट के साथ शुभारंभ हुआ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।